किसी शख्स ने अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के सामने दुआ कबूल ना होने की शिकायत करते हुए कहा, खुदा कहता है कि दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है कि हम दुआ करते हैं और वो कबूल नहीं होती। इसके जवाब में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे दिलो दिमाग में 8 चीज़ों में ख़यानत की है जिसकी वजह से तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती। तुमने खुदा को पहचान कर इसका हक अदा नहीं किया, इसलिए तुम्हारी मार्फत ने तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। इसके भेजे हुए पैगंबर पर ईमान तो ले आए, लेकिन इसकी सुन्नत की मुहालफत करते हो, ऐसे में तुम्हारे ईमान का क्या फ़ायदा। तुम इसकी किताब को तो पढ़ते हो मगर इस पर अमल नहीं करते, ज़बानी तौर पर तो कहते हो कि हमने सुना और अतात की, लेकिन अमली मैदान में इसकी मुहालफत करते रहते हो। तुम कहते हो कि हम खुदा के अजाब से डरते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी नाफरमानी की तरफ कदम बढ़ाते हो और उसके अजाब से नज़दीक होते रहते हो। तुम कहते हो कि हम जन्नत के मुश्ताक हैं, हालांकि तुम हमेशा ऐसे काम करते हो जो तुम्हें इससे दूर ले जाते हैं। नेमत खुदा से फ़ायदा उठाते हो लेकिन इसके शुक्र का हक अदा नहीं करते। इसने तुम्हें हुक्म दिया कि शैतान से दुश्मनी रखो और तुम इससे दोस्ती का नक्शा बनाते रहते हो। तुम शैतान से दुश्मनी का दावा तो करते हो लेकिन अमली तौर पर इसकी मुखालफत नहीं करते। तुमने लोगों के अयूब को अपना नस्बुलैन बना रखा है और अपने ऐबों को मुड़ कर भी नहीं देखते। इन हालात में तुम कैसे उम्मीद रखते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो, जबकि तुमने खुद इसकी कबूलियत के दरवाजे बंद कर रखे हैं। तक्वा और परहेजगारी इख्तियार करो, अपने अमाल की इसलाह करो, नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको।